पूरे छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन अवैध धान खरीदी ना हो इसके लिए चेक पोस्ट भी बनाए हैं, लेकिन समिति प्रबंधकों के मिलीभगत से अवैध धान की खरीदी बिक्री जारी है। वहीं अवैध तरीके से धान खपाने वालों पर प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। धरमजयगढ़ विकास खंड में भी अवैध धान पर कार्यवाही की गई है। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला धान खरीदी केंद्र सिसरिंगा इस बार भी अवैध धान के मामले में सुर्खियां बटोरने लगा है। सिसरिंगा समिति के उपमंडी सस्कोबा में 300 बोरी अवैध धान के साथ एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। खाद्य निरीक्षक सारथी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सस्कोबा धान खरीदी केंद्र में बिना नंबर प्लेट का एक ट्रैक्टर में 300 बोरी अवैध धान पाया गया। पता जांच करने पर किसान अंबिका प्रसाद ने 300 बोरी धान लाया है, जिसमें 200 बोरी धान रवि राठिया जो किराने की दुकान चलाता है उसका मिला है, बाकी 100 बोरी किसान का बताया जा रहा है। अभी सभी धान व ट्रैक्टर क्रमांक CG13AW1998 को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। स्टेट हेड उमा यादव की रिपोर्ट।